पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के लिए एक चुनौती का समय है, जैसा कि सभी लोगों के लिए, खासकर जो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग, दो विभाग ऐसे हैं जो कि फ्रंट में रह के सबसे पहले इस समस्या से जूझ रहे हैं। पुलिस कर्मी जो भी लगे हुए हैं पूरे मनोबल से अपना कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ जो सावधानियां हैं, जैसे मास्क पहनने का और पीपीई किट है, ग्लव्स है, जो लोग एकदम से ऐसे लोगों के संपर्क में आ रहे हैं जो कि संभावित हैं कि वो कोरोना से पॉजिटिव हो सकते हैं या जो ऑलरेडी जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, उनको विशेषकर इस तरह की सावधानी हमेशा रखने की आवश्यकता है। लगातार सैनिटाइजर से, साबुन से अपने हाथों को धोना, ड्यूटी से जब वापस लौटें तो पूरे अपने कपड़ों को अच्छे से गर्म पानी से धोना, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो लोग, खासकर अब गर्मी का भी सीज़न है, गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ORS का घोल है उसको सेवन करें, कुल मिलाकर अपनी जो दिनचर्या है उसको इस तरह से रखें कि आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बरकरार रहे, जिससे कि आप इस बीमारी से तो बचें और दूसरे लोगों को भी लगातार इन चीज़ों के बारे में जागरूक करते रहें। बताया है, सभी को विदित है कि 3 मई तक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसका हम सभी को पालन करना है। हमारा ज़िला शाहजहाँपुर जैसा आसपास जो 3 सबसे अपने प्रदेश में सर्वाधिक संक्रमित ज़िले हैं वो भोपाल, इंदौर और उज्जैन हैं, और इन तीनों ही ज़िलों से शाहजहाँपुर ज़िले की सीमाएँ काफ़ी नज़दीक हैं और लगातार इन ज़िलों से अपने ज़िले में लोगों का आना जाना बना रहता है। इसी दृष्टि से हमने सभी जो बॉर्डर्स हैं उसको अच्छे से सील किया हुआ है, लगातार राउंड द क्लॉक 24 घंटे वहाँ पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। उसी में से एक बॉर्डर पॉइंट ये पार्वती नदी का है जो कि सीहोर ज़िले के बॉर्डर से पड़ता है। इस तरह टोटल 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि मुख्य मार्ग हैं, यहाँ पर की चेकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो अन्य छोटे छोटे मार्ग हैं वहाँ पर भी पुलिस व्यवस्था लगाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाहर के ज़िलों से, खासकर ऐसे ज़िलों से जिसमें कि संक्रमण अधिक है, अधिक लोग ऐसे हैं जो कि COVID-19 से पॉजिटिव रिपोर्ट जिनकी है, वो ज़िले की सीमा में प्रवेश ना कर सकें। निर्देश नहीं, मेरा तो मिलाकर कालापीपुर में बहुत अच्छा सभी लोगों ने अभी पिछले लगभग 1 माह से अधिक हो गया है कार्य किया है। मेरा उद्देश्य दौरा करने का यह था कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया जाए। निर्देश तो ऑलरेडी सभी लोगों को पूर्ण दिए गए हैं और उसी के हिसाब से पिछले 1 महीने से सब लोग कार्य कर रहे हैं। मैं बारी बारी से सभी चेक पोस्ट पर जा रहा हूँ और अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, और उन्होंने जो इतना विषम परिस्थितियों में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको इस बात के लिए उनका धन्यवाद देना, और आगे भी इसी तरह से जब तक आवश्यकता पड़ेगी हम लोग इसी ऊर्जा से और इसी विश्वास से कार्य करते रहेंगे, इस बात के लिए उनको आश्वस्त। जैसा मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं, ये जो समय है ये वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, और जैसा पता ही है हम सभी को कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, COVID-19 का कोई इलाज इसका नहीं है। सबसे मुख्य बात यह है कि जो भी शासकीय स्तर पर, गवर्नमेंट के लेवल पर जो भी निर्देश दे रहे हैं हम सावधानी बरतने के, उसको 100% पालन करें। मुख्य रूप से मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, अगर कहीं आवश्यक हो हमको जैसे दैनिक ज़रूरत का सामान है तो हमेशा 1 मीटर की न्यूनतम दूरी बना के रखें। कहीं गाड़ी में जाएं तो मोटरसाइकिल पर सिर्फ 1 आदमी जाए, और जो भी इस तरह के निर्देश हैं उसको जब तक हम लगातार पालन करते रहेंगे और प्रत्येक व्यक्ति पालन करता रहेगा तो निश्चित रूप से हम इसकी जंग जीतने में सफल रहेंगे।